हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये वाली ड्रिपिंग में मैंने सिर्फ दो पिन का यूज़ करके ये ड्रिपिंग की है एंड परफेक्ट तरीके से की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी जो है वो जॉर्जेट की है एंड बहुत ही हल्की है। तो दो पिन की साड़ी आप तभी पहन पाओगे जब आपकी साड़ी बहुत ही हल्की होगी। तो मैं ये आपको जो दो पिन दिखा रही हूँ ना, सेफ्टी पिन, इन्हीं का यूज़ करके मैं ये साड़ी ड्रिपिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ वीडियो में आगे। साड़ी का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम राइट हैंड साइड से टक करेंगे। जो बेसिक टिप होती हैं, जो बेसिक टकिंग वाला जो होता है वो हम करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड से टक करके लेफ्ट हैंड साइड में एंड फिर एक सर्कल लेंगे और फिर लेंथ को देखते हुए, पहली बात, आप जब भी साड़ी पहन रहे हैं तो अपने जो भी फुटवेयर हैं वो ज़रूर पहन लें और फिर अगेन राइट हैंड साइड में टक कर लेंगे। देन उसके बाद बैक साइड से अच्छे से टक करना है, ठीक है, और फिर फ्रंट से अच्छे से प्रॉपर टक कर लें। तो ये जो बेसिक टकिंग वाला जो पोर्शन होता है वो ख़त्म हो चुका है एंड अब हम आते हैं पल्ले पर। तो जब भी आप साड़ी का पल्ला ले रहे हैं तो इस तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेकर पल्ले वाले पार्ट पे आए तो आपकी जो साड़ी है उल्टी पुल्टी नहीं होगी और आपको प्लीट्स बनाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम फाइनल प्लीट्स नहीं बनाएंगे, इस थोड़ा सा जो पल्ला है उसे गैदर कर लेंगे और फिर उसे शोल्डर पे रख देंगे इस तरीके से। एंड लेंथ का तो आपको हमेशा से मैंने बताया है कि नी लेंथ तक अगर आप अपने पल्ले की लेंथ को रखते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी। एंड जो मेरा जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसे मैं इस तरीके से पेटीकोट में ही टक कर दूंगी। गाइस, अब इसके बाद हम कमर की प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको कमर की प्लीट्स बनानी नहीं आती, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, एंड अगर आपको भी कमर की प्लीट्स बनाते समय बहुत प्रॉब्लम होती है, आपका जो शोल्डर पल्ला है वो प्रॉब्लम करता है, तो इसको आप इस तरीके से दुपट्टे की तरह ले सकते हैं एंड फिर उसके बाद लेंथ को देखते हुए फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई पहले देख लेंगे एंड जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। देन उसके बाद बाकी की सारी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। सो ये देख सकते हैं आपको कि मैंने जो फर्स्ट प्लीट है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा ली है एंड फिर उसके बाद जितनी भी प्लीट की चौड़ाई है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग रख दी है। सो मैंने जो टक किया हुआ था उसे मैं निकालने से पहले पीछे की प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लूँगी। वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज करना है, अच्छे से शेक कर लेना, ठीक है। शेक करने से क्या होता है ना, जितनी भी प्लीट्स आपकी अनइवन हो रखी होती है, अंदर की तरफ होती है, वो सारी ठीक हो जाती है एंड कॉर्नर की तरफ से मैं प्लीट्स को अरेंज करना शुरू करूँगी। जब आप जब आप कमर की प्लीट्स को कॉर्नर साइड से अरेंज करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी प्लीट्स में अपने आप ही हाफ इंच का गैप आ जाता है। अब मैंने जो टक किया हुआ था फैब्रिक को वो मैं निकाल दूंगी एंड जब मेरी कमर की प्लीट्स अरेंज हो जाएंगी तो जो साइड वाला जो फैब्रिक है उसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगी एंड फिर अरेंज करते हुए कमर की प्लेट्स को लेंथ को देखते हुए पेटीकोट में टक कर दूंगी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कमर की प्लेट्स को अंदर इंसर्ट कर रहे हैं पेटीकोट में तो वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, क्लीन तरीके से इंसर्ट हो, अंदर की तरफ वो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये जो बॉर्डर टक किया हुआ था इसे मैं इस तरीके से सेट करूँगी, ठीक है। प्लीट्स के साथ ही आपको बॉर्डर को अच्छे से सेट करना है एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर है ना वो सीधा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा तिरछा करके ही आप फिर प्लीट्स के साथ ही ऊपर, एकदम ऊपर की तरफ ही सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। तो अभी मैंने सिर्फ एक पिन का यूज़ किया है सेफ्टी पिन का और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बैक साइड की तरफ टक कर दें ताकि कमर के पास फिनिशिंग आ जाए। अब जो मेरा जो साड़ी का जो फैब्रिक है कमर के पास वाला उसे हम टाइट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो पल्ले की प्लीट्स हैं उसे बनाना शुरू करेंगे। छोटी छोटी प्लीट्स मैं स्टार्टिंग में ही ले लूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत ही कम चौड़ाई वाली
प्लीट्स चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी ही प्लीट्स ले रही हूँ। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो दो सेफ्टी पिन वाला जो टिप है, ये आप जो हल्की साड़ियाँ होती हैं सिर्फ उसके साथ ही कर सकते हैं। हैवी साड़ी जब होती हैं तो उसमें आप सेफ्टी दो सेफ्टी पिन के साथ ड्रेपिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप हल्की साड़ी पहन रहे हैं और आपकी साड़ी में इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है, तो आप दो सेफ्टी पिन का यूज़ करके साड़ी अच्छे से पहन सकते हैं टाइट फिटिंग के साथ। मैंने यहाँ पे वन बाय वन सारी प्लेट्स को अरेंज कर लिया है और कमर के पास जो मेरा बॉर्डर जा रहा था उसको भी सेट कर लिया है, एंड कमर के पास आप देख सकते हैं फिनिशिंग। अब मैंने शोल्डर पे रख लूँगी इन प्लीट्स को। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पल्ले को शोल्डर पे रख रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर कर लें और फिर उसके बाद पल्ले को रख कर ब्लाउज के साथ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दें। सो ये मेरी जो फ्रंट प्लीट्स हैं उन्हें मैं हाथों से प्रेस कर लूँगी, और ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लीट्स जैसे जा रही हैं उन्हें वैसे ही अरेंज जरूर कर लें, ठीक है। फ्रंट का जो लास्ट का जो बॉर्डर है वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। शोल्डर प्लीट भी प्रॉपर तरीके से बन गया है और कमर की प्लीट्स भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।